फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रिधिमा क्रिएशंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इस सीरीज में आपने मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैं बता दूं, मेरा चैनल है हैंडमेड आइटम्स आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके अलावा जो भी पुराने आइटम्स हमारे घर में हैं, मैं उनसे कुछ नया क्रिएट करती हूं। मैंने इस सीरीज में बहुत सारे पहले भी चीजें बनाई हैं जहां पे मैंने पुराने बॉक्सेस, पुरानी चीजों से कुछ नया क्रिएट किया है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप अगर कोई भी फेस्टिवल स्पेशल सीरीज देखना चाहते हैं, आप उसके लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन को रेफर कर सकते हैं। वहां आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे जो फोटोग्राफ्स मैं यहां पे शेयर नहीं कर पाती हूं, वो बहुत सारी फोटोग्राफ्स आप वहां भी देख पाएंगे। बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज और साथ में मैं पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट दोनों ही जगह पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये पूरी जो सीरीज है इसमें मैं इस समय पेंडेंट्स आपके लिए लेके आई हूं, और मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो भी पेंडेंट्स या नेकलेसेस मैं बना रही हूं, इनको मैंने इंडो वेस्टर्न लुक में रखा है, ताकि ये आपको एक ट्रेडिशनल लुक में अगर आप हैं तो भी आप उन्हें यूज कर सकें, और अगर आप कोई वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं तो भी आपको एक अच्छा सा लुक दें। ये थे कि आपने अगर मेरा पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें मैंने आपके लिए एक ये पेंडेंट बनाया था। ये पेंडेंट मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया। देखिए, इसको देख के शायद अगर आप पहने तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि ये आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ एक पेंडेंट है। और मैंने इसमें ये बीड्स लगाई थी, और ये मैंने आइसक्रीम स्टिक से क्रिएट किया था। इसमें मैंने एक छोटा सा शेल भी लगाया था जिसको मैंने कलर किया है। इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा मैंने एक और अभी सीरीज में मैंने बनाया था, वो था मेरा ये ऊन से बना हुआ। सी, आपने कभी ऊन से बना हुआ इतना क्यूट से देखा है? कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके घर में जो एक ऊन है उसको आप कस्टमाइज करके एक प्यारा सा पेंडेंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक क्लोथ यूज करा है और ऊन है, सिर्फ दो चीजों का यूज है। अब आप उसको सोचिए, जैसे मैंने इसे ब्लैक एंड रेड में क्रिएट किया, आप कोई भी कलर में इसको क्रिएट कर सकते हैं। और यही हमारी क्रिएटिविटी है कि हम अपने ही घर के आइटम से क्या चीजें अच्छे से बना पाए। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक और नया प्यारा सा पेंडेंट लेके आ रही हूं, और ये पेंडेंट एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है। मैंने ये जो दोनों पेंडेंट्स बनाए थे ये थोड़े से बड़े साइज में थे। ये इस तरह के थे कि अगर आप कोई भी साड़ी वगैरह पहनते हैं तो ये आपकी पूरी नेक को कवर कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए, और आज का जो मैं पेंडेंट लेके आ रही हूँ वो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा पेंडेंट है, जो स्पेसिफिकली अगर गर्ल्स पहनना चाहती हैं तो वो पहन सकती हैं। और ये देखिए, ये है बिल्कुल क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा एक पेंडेंट है जिसे मैं आज बनाने वाली हूँ। इसका पूरा वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इस पेंडेंट में मैंने यूज किया है एक क्लोथ का, और इस क्लोथ में मैंने इस तरह से छोटे छोटे कंगूरे बनाए हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इजी टू क्रिएट है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितना छोटा सा, बट बहुत ही क्यूट है। आप जब इसे पहनेंगे तो ये पूरे कंगूरे इस तरह से इसमें हिलेंगे और ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं। आप इसे किसी भी एक गोल्ड की चेन के साथ मर्ज कर सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आप इसमें एक रेड कलर की डोरी या ब्लैक कलर की डोरी के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के हैंडमेड ज्वेलरी सेक्शन में सेव्ड हैं। आप वहां से जाके अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ में मैंने इस वीडियो के एंड में कुछ ज्वेलरीज आपसे शेयर करी हैं, ये अवेलेबल फॉर सेल है, यानी आप अगर उन ज्वेलरीज को परचेज करना चाहें तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको उस ज्वेलरी की प्राइसिंग फुल डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, सो दैट मुझे आगे और अच्छे वीडियोस के लिए एनकरेजमेंट मिले।
lemonade. Polka dots and stripes, you're a dark night, and I'm the day. We're a wreck, and that's alright. You're the pin that's sticking into me, the hand grenade. You come from outer space. Polka dots and stripes, you're a dark.